साथियों, आज जो ये बैठक रखी गई है बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हमारे वरिष्ठ नेता, मैं नाम भूल गया, श्री अनिल कुमार सुमन जी, भाई सजीव जी, जिस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी, आज का यह महत्वपूर्ण बैठक है। जिन कर्पूरी ठाकुर के नाम से, जिनके विचारधारा से हमारी पार्टी चलती है, और 100वें शताब्दी वर्ष हम मनाने जा रहे हैं पटना में, जो कि ऐतिहासिक होना है, उसके इस बैठक में उनका जो राय था कि सभी को होना चाहिए, मैं उनका इस राय का स्वागत करता हूं। हमेशा से लोग कहते हैं कि बड़े बुजुर्ग आदमियों का सलाह और युवाओं का जोश से हम किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। इसी प्रकार से उनका यह सलाह बहुत ही अच्छा था, मैं इसमें बड़ा अच्छा लगा सुन के। इसका प्रोग्राम में सबको होना चाहिए। आदरणीय नागेंद्र सिंह जी ने जो कहा, जो अपने सुझाव उन्होंने दी कि जितनी बस होती है उत्तर बिहार में, उससे 4 गुना लोग इन्वॉल्व होते हैं, बिल्कुल सही है। तो एंड रिजल्ट यह होता है कि हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ा बाद में पीछे हो जाते हैं, बैकफुट पर रहते हैं। तो हम सब लोगों को हर तरह से तैयारी करनी चाहिए कि कैसे हम इस प्रोग्राम को ऐतिहासिक बनाएं। जो पिछले बार 26 नवंबर को हुआ, उससे भी डबल ज्यादा दोगुना भीड़ हम लोग वहां लेके जाएं। उसके लिए जो उन्होंने सुझाव दिया ट्रेन वाला, बहुत अच्छा सुझाव है, क्योंकि हम लोग बस वाले को पैसा भी देते हैं, समय भी देते हैं, 50 बार फोन भी करते हैं, उसके बाद वो डिले कर देता है, लेट कर देता है, इधर से फोन आ रहा था, उधर से फोन आ रहा था। जितना संभव हो सके, आदरणीय राजकिशोर सिंह कुशवाहा जी ने भी कहा, जितना संभव हो सके ट्रेन से आना चाहिए और एक दिन पहले आना चाहिए। जहां तक कुछ लोगों का, साथियों का था, लाल बाबू जी कह रहे थे कि पिछले दिनों खाने पीने की या कहीं रहने की व्यवस्था नहीं हुई, उन्होंने कहा कि सबको फोन किया, माफ कीजिएगा, मैं भी हूँ पटना में था, 22 नवंबर से 26 नवंबर तक बहुत जगह से लोग आए जो हमारे यहाँ खाना वाना खाते थे, आपका फोन नहीं आया, और ऐसा मेरे तरफ से पूरी व्यवस्था वहाँ थी। मैं किसान का बेटा हूँ, खाने पीने की कमी नहीं है, उगाना है, खिलाना है, कभी भी कोई आता है तो मेरे तरफ से कोई खाने पीने की कमी नहीं रहती। अभी हमने परिहार में कार्यक्रम किया था, कुछ लोग बाहर से बाद में आ गए, हमने कहा नहीं, सबको खिला के जाएंगे, दोबारा खाना बना और खिलाएंगे, साथी लोग यहाँ दवा कर बैठे। तो पटना में दिक्कत होने का कहीं से कोई सवाल है ही, आपको 24 तारीख का कार्यक्रम है, 23 तारीख के दोपहर के खाने के समय से रात भर उधर के मीटिंग हो जाएगा, फिर मैं अपना 23 तारीख को दोपहर से शुरू होगा हमारे यहाँ भोजन का कार्यक्रम, दोपहर से खाना मिलेगा, और 23 के पूरी रात लिट्टी चोखा बनता रहेगा, जितना लोग आएंगे खाएंगे, तो भात बनवा के रख देंगे, ठंडा हो जाएगा, इसलिए बंदोबस्त किया गया, पूरा रात खिलाएंगे, सुबह से फिर चलेगा और 24 के शाम तक का प्रोग्राम रहेगा। तो किसी प्रकार से जहां तक हो सके, जहां जहां व्यवस्था होगा, बहुत जगह व्यवस्था होगा, लेकिन हमारे यहाँ की व्यवस्था होगा, कहीं किसी प्रकार का दिक्कत इस बार नहीं आएगी। कमियों से थोड़ा सा घी में डुबा के ठंडा करके सॉफ्ट करके आ जाते, खिचड़ी बनवा लेते, खिचड़ी अलग से। कोई गलतियों से हम सीखते हैं, अगर पिछले बार हम व्यवस्था में कहीं ना कहीं हम लोग तरफ से कमी रही, जिसका शिकायत हुआ, वो कमी इस बार नहीं रहेगी, ये आश्वासन आप सब लोगों को देते हैं, खास करके सीतामढ़ी के लोग। दूसरी बात, कई लोग ऐसा भी होते हैं जो कहते हैं ट्रेन से जाएंगे, यहाँ टेम्पो करेंगे, वहां टेम्पो करेंगे, उनकी भी व्यवस्था और कहेंगे कितना खर्चा हुआ है वो भी दिया जाए, उसमें भी दिक्कत नहीं। बस विधान जहां लिस्ट बनाया जाएगा अध्यक्ष जी के द्वारा, क्योंकि हम 10-11 माननीय पूर्व और प्रेजेंट मिला के है, हाँ 12, तो 12 माननीय जो हम हैं प्रेजेंट और पास्ट मिला के, सभी लोगों को जो जिम्मेवारी देंगे उसमें मेरे हिस्सा जो आएगा, मैं 100% उसको पूरा करूँ। जो इन्होंने कहा हिंट दिए रहते हैं पोल खोलेंगे, पोल इनको नहीं खोलना, पोल हम अपना पोल खुद खोल देते हैं। इन्होंने कहा परिहार का कार्यक्रम करा दीजिए, सीतामढ़ी का करवा दीजिए, कर्पूरी चर्चा का। मैंने कहा जब परिहार करवा देंगे, सीतामढ़ी करवा देंगे, तो बतना कर चलेगा, वो भी हम रख दीजिए, वो भी करवाएंगे, ये ना हो गोपाल भाई नाराज हो, तो हमको आप परिहार करवा दीजिए, बतना सीतामढ़ी करवा देंगे, डेट आप निर्धारित कीजिए। पार्टी में है और जब से नेता के साथ जुड़े हैं, पार्टी में एक्टिव तो बहुत बाद में हुए, नेता के साथ तो बहुत पहले से जुड़े थे, उनके विचारधारा से जुड़े थे, दिल्ली में मिलना होता था या कार्यक्रम में हम लोग करते थे, पार्टी के लिए जब से है पार्टी में है, किसी प्रकार का कोई
तन मन धन से है, कोई कमी नहीं है, अच्छा कार्यक्रम होगा। आप सब लोग बड़ी मजबूती से जोश के साथ अभी से ही लगिए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में सब लोग आइए, ताकि सीतामढ़ी का, जैसे अध्यक्ष जी ने मीटिंग में कहा था कि सीतामढ़ी नंबर नहीं नंबर पांच में, दस में एक रहे, पांच में एक रहे, ये कहते पांच में एक रहेगा। मैं तो आप सब लोगों से आग्रह करूंगा सीतामढ़ी एक में रहे, उसके लिए जो आवश्यकता हो हम सब लोग पूरा करेंगे। अगले एक और मीटिंग हम लोग कुछ लोग विशेष रूप से कर लेंगे, कहां कोई दिक्कत आ रही है, उसमें कमी कैसे पूरा हो। अध्यक्ष महोदय ने और प्रभारी जी ने कहा कि पांच संगठन प्रभारी जिला में मिला है, बहुत खुशी की बात है कि आठ विधानसभा में हमें पांच प्रभारी मिले। तो सभी प्रभारियों के साथ 12 माननीयों को आप जिम्मेवारी दे दीजिए, उन प्रखंडों में जाके माननीय प्लस संगठन प्रभारी प्लस जिला अध्यक्ष प्रखंड अध्यक्ष एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाए, ताकि कहां व्यवस्था किस प्रकार का चाहिए वो पूरा हो सूचित के अनुसार। और मैं अपनी बहुत लंबी बात नहीं रखते हुए, मैंने पहले भी परिहार के कार्यक्रम जो पिछले 16 तारीख को हुआ था, माननीय जिला अध्यक्ष जी से की अनुमति से मैंने 17 जनवरी 2024 को दही चूड़ा का भोज रखा है, इनकी अनुमति लेने के बाद, क्योंकि जिला के मजिस्ट्रेट, जिला के सब कुछ, पार्टी के संगठन के सर्वे सर्वा जिला अध्यक्ष होते हैं, इसलिए हमने लिखित में लिया हुआ है मेरे पास है। तो मैंने कहा और किसी को डेट नहीं दीजिए, बोले ना आप रखिए हम आपको दे रहे हैं। 17 जनवरी को मेरे यहाँ दही चूड़ा का भोज है, आप सभी लोगों को आना है, और उस दिन भी हम लोग 24 तारीख के प्रोग्राम को लेकर वहां पर डिस्कशन करेंगे कहां की जरूरत है।